नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों की आशीर्वाद यात्रा चल रही है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब मध्य प्रदेश की जनता बाढ़ की आपदा से घिरी हुई है, जब बेरोजगारी, महंगाई और महामारी की मार से प्रदेश की जनता उबर नहीं पाई, और किससे आशीर्वाद मांग रहे हैं। अरे, शिवराज सिंह ने तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी जनता से आशीर्वाद मांगा था और जनता ने इन्हें अपने दरवाजे से भगा दिया था। उन्होंने कहा कि जनता ने अपना आशीर्वाद कमलनाथ को दिया था और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। शिवराज सिंह जनता के उस आशीर्वाद को धोखा देकर कुर्सी पर बैठे हैं। इनकी सरकार की जो करतूतें हैं उसके चलते केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जब जनता के बीच जाते हैं तो लोग उनके ऊपर कीचड़ फेंकते हैं। भ्रष्टाचार के साथ 17 साल की सरकार, उसका मुख्यमंत्री 10 दिन की बारिश, बता दिया कि सबसे बड़ा चोरों का सरकार थी। 17 साल से चोरों की सरकार, कभी कहीं सुना आपने ऐसा? कहीं सुना कि 10 दिन में 500 किलोमीटर सड़कें भेजाए? कहीं सुना कि 300 से ज्यादा पुल भेजाए? ये इस लुटेरों की सरकार में ही हो सकता है। सर्वविदित है, हर पैमाने पे हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे वादों की खिलाफी का हो, चाहे जनता की आंख में धूल झोंकने का हो, आशीर्वाद चाहिए इनको, जन आशीर्वाद। शिवराज भी गए थे मांगने, जन आशीर्वाद दिया जनता ने, हराया था, आशीर्वाद नहीं दिया था, कहा बाहर बैठो, चोरी से डाके से फिर बैठे, अब फिर जन आशीर्वाद चाहिए किस बात का? इसलिए कि लोकतंत्र की हत्या की हमने, इसलिए चाहिए आपको जन आशीर्वाद कि आपने कोविड में 5 लाख से ज्यादा परिवारजनों की हत्या कर दी। कोविड के दौरान आपने सरकार गिराई, स्वास्थ्य मंत्री खरीदे, इसलिए जन आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद इसलिए चाहिए कि जनसेवा में करना चाहता था और मैं केंद्र में जाके मंत्री बन गया, पद से मेरा लालच नहीं है, हमारे परिवार का पद से मोह नहीं रहता, उस पद बगैर हम रह नहीं सकते, इसलिए जन आशीर्वाद चाहिए। किस लिए जन आशीर्वाद चाहिए? इसलिए कि किसानों का कर्ज माफ हो रहा था, उसको रोक दिया ना आपने। इसलिए चाहिए कि महंगी बिजली कर दी आपने। इसलिए जन आशीर्वाद चाहिए आपको कि आपने प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी के लिए दर दर भटकाने पर मजबूर कर दिया। काहे का जन आशीर्वाद? एक तरफ कोविड में धार्मिक आयोजन नहीं होंगे, एक तरफ कोविड में किसी प्रकार का किसी भी सामाजिक आयोजन नहीं होगा, पर भारतीय जनता पार्टी की रैलियां निकलेगी, इसका जन आशीर्वाद चाहिए। प्रदेशवासियों, जानो, समझो, देखो, भारत कांग्रेस पार्टी इन सब बातों पर भारतीय जनता पार्टी की निंदा करती है। देखो, दो बातें हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी कैसे मौत पे उत्सव बनाती है, भूख पे उत्सव बनाती है, कैसे कोविड में आवश्यकता थी डोज की, वैक्सीन डोज की, उस पर उत्सव मनाते हैं। मतलब उत्सव मनाना इनके लिए, घर में मोते हैं, लाशें पड़ी है और इनको उत्सव मनाना, लोगों के घर में अनाज नहीं, इनको उत्सव मनाना। अब ये कह रहे हम राहत देने लगे हैं, फिर नरेंद्र तोमर की कांच पे गाड़ी पे कीचड़ किसने फेंका? अगर आप राहत देते हैं तो स्थिति ये निर्मित क्यों होती? ये जन आशीर्वाद उधर क्यों नहीं निकल रहा है? जहां पे बाढ़ आई थी वहां जन आशीर्वाद क्यों नहीं? ये शिवराज सिंह जी भाषण देके आए थे, मामा ये भी करेगा, मामा वो भी करेगा, आ जा रहे, जा जा रहे, वीडियो विजुअल देखे, वापस गए क्या? एक मंत्री गया क्या? कोई विधायक आपको विजुअल और फोटो अन उत्सव वो उसके फोटो मिले कि तू भूखा है ये ले, फोटो खिंचवाएंगे, मेरा फोटो अखबार में जाना चाहिए, पर तेरी भूख पे तमाशा करेंगे हम, गरीब को बताएंगे। ये है बीजेपी और इसी का असली चेहरा। गरीब इससे बदला लेगा, सही समय पे लेगा, तरीके से लेगा और इतनी जोर की ताकत से लेगा कि इनको तमाशे का असर मिलेगा। धन्यवाद। सीएम को अभी तक जितनी इन्वेस्टर मीट हुई प्रदेश भर में और रोजगार की स्थिति क्या है, सर्वविदित सीएम बालाघाट में रोजगार की बात करते हैं और यहाँ बेरोजगार उनके कलेक्टर बीजेपी के ऑफिस के सामने राखी बंधवाने के लिए अपने बच्चों को लेके, छोटे छोटे साल साल भर 6-6 महीने के बच्चों को लेके बहने बैठी है।
मैं समझता हूं अपने आप में ये बताता है कि रोजगार कितना, पाखंड कितना, झूठ कितना। मैंने लिस्ट मांगी कि आपने 2 महीने पहले कहा था 30 दिन में 1 लाख रोजगार देंगे, आप दो में चिट्ठी लिख के दें, उनसे मांगता था। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।